जनपद गोंडा में थाना नवाबगंज अंतर्गत परसापुर क्षेत्र में एक युवती की शव मिलने की सूचना कल रात्रि में प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल मुकदमा लिख के गिरफ्तारी हेतु टीमें निकाली गई थी। सर्विलांस एसओजी और मुखबिर के जो उससे कार्रवाई जब की गई तो इसमें दो लोगों का नाम निकल के आया, एक महेश यादव का नाम निकल के आया और उसका एक अन्य साथी था। उसी पे इनाम 25,000 रुपये का गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया था। उसी की गिरफ्तारी हेतु हमारे थाने की और एसओजी टीम यहाँ पे पकड़ने के लिए आई थी तो उस अभियुक्त तो उसके साथी ने यहाँ से बचने के लिए गन्ने के खेत में घुसकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में महेश यादव, इसको गोली लगी है और इसको अस्पताल रवाना कराया गया है और इसका अन्य साथी है वो भी छुपा हुआ है, उसके लिए कॉम्बिंग चल रही है। फिलहाल मात्र 12 घंटे के अंदर युवती के साथ हत्या करना एवं उसके दुष्कर्म करने वाले ये जो दो अपराधी थे उनको राउंड अप कर लिया गया है। एक को गोली लग के घायल हुआ है और दूसरे के लिए कॉम्बिंग हमारी चल रही है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी जो टीम है उसको 50,000 रुपये इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है और साथ ही साथ मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये दुष्कर्म और हत्या करने वाले जो लोग हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको तुरंत इनकी ट्रायल करवा के इनको कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाई जाएगी।